आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात करते हैं झारखंड की, जहां पर झारखंड के पंचायत भवन साल 2017 तक इंटरनेट की सुविधा से लैस होंगे। राज्य सरकार ने भविष्य के ग्रामीण सचिवालय का भी निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार का दावा है कि राज्य में विकास की रफ्तार अगर ऐसे ही जारी रहेगी तो अगले 4 सालों में झारखंड विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा। राज्य बताया कि रांची में आयोजित 3 दिवसीय ई पंचायत कार्यशाला के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बातें कही और इस मौके पर अधिकारियों को जमकर खरी खरी भी सुनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी 4,402 पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण के लिए सरकार ने साल 2016 के वित्तीय साल तक का डेडलाइन रखा है। तभी उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पंचायत भवनों में इंटरनेट सुविधा के लिए 2017 का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार का ये मानना है कि हर हाल में गांव में रहने वाले लोगों को विकास योजनाओं की सही जानकारी सही समय पर मिलनी जरूरी है। ऐसे भी सरकार की जो सोच है कि गांव-गांव के हर व्यक्ति तक ये ई पंचायत जो पंचायत को सशक्त बनाने का प्रयास है वो उस पे एक अच्छा मुकाम पे पहुँचे, वो इसके लिए यहाँ पे जो ट्रेनिंग के लिए का आयोजन किया गया है उस पे बहुत खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं। वहीं ई पंचायत पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमकर खरी खरी सुनाई। उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि सूबे में अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं, नहीं तो वीआरएस लेकर घर पर बैठें। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जनता रोज करप्शन की भेंट चढ़ती है। आलम यह हो गया है कि आम लोग अब सरकारी दफ्तरों में जाने से भी डरने लगे हैं। जैसे नगर पंचायत है, स्थानीय निकाय है, वहां भी आप देखते होंगे काफी शिकायत है। बिजली के बिल में तो हमने नगर विकास विभाग को भी कहा कि ई सिटी आप हर शहर में खोलें, ताकि किसी को टैक्स जमा करना है, किसी को पानी का जमा करना है, किसी को बिजली का बिल जमा करना है, तो 10 जगह 10 कार्यालय के में ना जाए, नज़दीक में उसका ई सिटी है जहां अपना हो शुल्क। जनता को टहलाव मत दिया, जनता 68 वर्ष से टहल टहल के परेशान, कोई कार्यालय में बेचारा हमारा जनता गरीब जनता को पता नहीं कहाँ आवेदन देना, कितना कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता। अब एक जाति प्रमाण पत्र जलाना, एक क्लर्क के पास जाता दौड़ाते रहता, जूता उसका घिस जाता, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता। स्थिति है हमारी जनता को लगता है सरकारी करा है, बहावा स्थिति, वहाँ जाने से ही डर लगता है। सब बड़े बड़े भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन जो नीचे भ्रष्टाचार सीओ ऑफिस में, वीडियो ऑफिस में, बिजली ऑफिस में, लाइसेंस में, ये जो बिचौलिया है इसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि गरीब वही परेशान है। और मैं ये भी चेतावनी देना चाहता हूं, विकल्प भी है जनता के पास, कोई भी अधिकारी कोई भी हो, अगर हमारी जनता को व्यवस्था में गड़बड़ करने का काम करेगा तो जनता के पास विकल्प है 181। इसके माध्यम से मैं जनता को भी आह्वान करना चाहता हूँ, कोई भी अधिकारी कोई भी प्रतिनिधि अगर वो गड़बड़ करने का काम करता है, दौड़ाने का काम करता है, तो 18 में खबर करो 24 आवर्स के अंदर जांच करके वैसे लोग को फिर झारखंड में जरूरत नहीं है, वैसे लोग फिर बीआरएस लेके घर में अपना बैठे। झारखंड में 6 विधायकों के दल बदल मामले में आज विधानसभा कोर्ट में सुनवाई हुई। विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उराव के सामने जेवीएम के 3 नेताओं बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और सभा अहमद ने अपना बयान दर्ज कराया। दरअसल विधानसभा चुनाव में जेवीएम के टिकट पर चुने गए 6 विधायकों के बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, जिसमें रणधीर सिंह और अमर बावरी रघुवर कैबिनेट में मंत्री हैं। सुनवाई में जेवीएम की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में करीब 1.5 साल पूरे हो गए हैं और अब सबके पास केवल 3 साल का वक्त बच गया है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष को दूसरे राज्यों की तरह जल्दी फैसला सुनाना चाहिए, ना कि मामले को सुनवाई की तारीखों में उलझाना चाहिए। इधर बागी विधायकों के वकीलों ने कहा कि विधायकों ने जो कदम उठाया वो दल बदल नहीं बल्कि मर्जर था। हमने आज विशेष रूप से यह कहने का प्रयास किया उनसे कि भाई हमारे केस की याचिका दर्ज किए हुए 14 महीने बीत गए,
मात्र 3.5 वर्ष अब उनकी आयु बची है। हमने कहा दूसरे विधानसभाओं को यदि आप देखें, असम को देखें, तो असम ने मात्र 7 दिनों में फैसला दिया, असम के अध्यक्ष जी ने। बिहार ने किसी केस में 2 महीना, किसी केस में 9 दिनों में, किसी केस में 3 दिन में फैसला दिया। आपने उत्तराखंड को देखा, 7 दिन में अध्यक्ष जी ने फैसला दिया। अगर इस केस को लंबा कीजिएगा तो यह संविधान के साथ मजाक होगा। डिफेक्ट नहीं हुआ है, कोई डिफेक्शन नहीं है, हमारा कहना है ये मर्जर है, मर्जर हुआ है और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ये जो 10वें अनुसूची का जो हवाला दे रहे हैं उसको 10वें अनुसूची के पैरा 4 के अंतर्गत ये मर्जर है, ये हमारा कहना है और इसको हम प्रूफ करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, प्रूफ करेंगे। वहीं रांची में नगर निगम बोर्ड की बैठक में शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रस्ताव को पास किया गया। इसके लिए 1490 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई। प्रपोजल के अनुसार स्मार्ट सिटी के लिए रांची में टाउनशिप, एजुकेशनल हब, ट्रांसपोर्टिंग और ओपन स्पेस का खास ध्यान रखा गया है। अब इस प्रस्ताव को नगर विकास विभाग के पास भेजा जाएगा, जहां से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी प्रपोजल को अप्रूव करेगी। फिर इसके बाद 15 अप्रैल तक इस प्रपोजल को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के पास भेजा जाएगा, ताकि स्मार्ट सिटी मिशन की प्रतियोगिता में रांची को भी एंट्री मिल सके। इसमें 1490 करोड़ के आसपास की राशि लगेगी, जिसमें कि 987 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी का लगेगा, 351 करोड़ वर्ल्ड बैंक का लगेगा, 121 करोड़ हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अन स्कीम से हम लोग कन्वर्ज कर रहे हैं और 65 करोड़ उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ला रहे हैं। फर्स्ट टाइम में जब स्मार्ट सिटी प्रपोजल आया था और उस 20 स्मार्ट सिटी शहर में से हम कहीं ना कहीं पीछे हट गए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने योजना करी कि स्पेशल रूप से ऐसे 24 शहरों को तय करना, यानी फर्स्ट ट्रैक सिटी है के नाम से जाना जाए, इसके लिए एक प्रपोजल आया और उस प्रपोजल के माध्यम से हमने यह आज का प्रपोजल रखे हैं कि स्मार्ट सिटी में हम कहां तक जा सकते हैं। तो 21 तारीख तक हमको सबमिट करना पड़ेगा और हम सेकेंड फेज में आ जाएंगे। इधर रांची में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक मंच ने हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया है। अभिभावक मंच ने अध्यक्ष के मतलब बताया कि अपनी बातों को लेकर अभिभावकों का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से मिलने गया था, लेकिन शिक्षा सचिव अभिभावकों से नहीं मिले। दरअसल प्रतिनिधि मंडल फीस रेगुलेटरी एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर शिक्षा सचिव से मिलने पहुंचा था, लेकिन शिक्षा सचिव से मुलाकात नहीं होने की वजह से अभिभावकों में काफी नाराजगी दिखी। क्योंकि सब जगह निजी स्कूलों की पहुंच इतनी ऊपर तक है कि उनसे नहीं लगता है कि यहाँ के अधिकारी कहीं बाहर हैं, उनके अंडर जिस टाइप से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उस तरीके से वो चल रहे हैं, और हम लोग को पूरा अब लगता है कि इनसे हम लोग को इंसाफ मिलने वाला नहीं, इसलिए मजबूरन हम लोग हाईकोर्ट के शरण में जाएंगे। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पाकुड़ लिट्टीपाड़ा में कला एवं सांस्कृतिक भवन का उद्घाटन किया। लिट्टीपाड़ा के सोनाधनी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 2.10 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण भी किया। इसके साथ ही विकास मेले का निरीक्षण किया। इसके बाद राज्यपाल ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक कार्यक्रम में पहुंची और उस कार्यक्रम में उन्होंने जो वहां पर बच्चे पहुंचे थे, जो अभिभावक पहुंचे थे, उन लोगों को उन्होंने संबोधित किया। बात अगली खबर की करते हैं, जहां पर जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती और जस्टिस अनंत विजय सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। दोनों न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ झारखंड हाईकोर्ट के व्हाइट हॉल में मुख्य न्यायाधीश बीरेंद्र सिंह ने दिलाई। प्रदीप कुमार मोहंती ने 14वें जज के रूप में और जस्टिस अनंत विजय सिंह अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उधर धनबाद में बीसीसीएल के कोलियरी क्षेत्रों में मौजूद जल संकट को दूर करने के मुद्दे पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा और बीसीसीएल के निदेशक के बीच वार्ता हुई। विधायक ने कहा कि यह वार्ता सकारात्मक रही, इसमें धनसार, कुसुंडा, जगजीवन नगर, भूली सहित दूसरे इलाकों में मौजूदा जल संकट दूर करने पर विस्तृत चर्चा हुई। उधर बीसीसीएल के अधिकारियों ने भी जल संकट दूर करने में हर संभव सहयोग देने का भरोसा जताया। We'll be right back.
जो हमने यही कहा कि आप जो लंबा प्लानिंग चलाते हैं 5 ईयर्स का, या इस बार का नहीं, इस बार गर्मी में लोगों को पीने का पानी मिले उन जगहों में, या फिर खाद का पानी उन जगहों तक पहुँचे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। अगर कहीं सबमर्सिबल पंप लगाने की आवश्यकता है तो वो लगे, अगर पाइप डालने की व्यवस्था है तो वो लगे, और इसी वर्ष पानी मिलना शुरू। और बात गर्मी की दस्तक देते ही जहां देश के कई हिस्सों में पानी को लेकर हाहाकार मचा है, तो वहीं गढ़वा के नगर उटारी गरबांध गांव के लोगों को आज तक पीने का पानी नहीं मिल पाया। गढ़वा के नगर उटारी के गरबांध गांव के लोगों की सुबह पानी के लिए जद्दोजहद से शुरू होती है और शाम को उसी पर खत्म भी होती है। हालात यह है कि मवेशी और आदमी एक ही घाट का पानी पीने को विवश है। आबादी यहाँ 8,000 है और गांव जो है बसा हुआ है 4 किलोमीटर के रेडियस में, और आज के तारीख में तो अभी इतनी परेशानी है कि लोग जंगल के नदी से भी ला करके पानी पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पानी पीना जरूरी है। पानी के लिए जूझते यहाँ के लोगों की तस्वीरें सरकार की पेयजल आपूर्ति योजना पर करारा तमाचा है। पलामू के सांसद बीडी राम सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को नसीहत देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। गढ़वा जिला के पदाधिकारियों को मैं एक नसीहत जरूर देना चाहता हूं कि उनमें संवेदनशीलता की कमी हो गई है लगता है, खास करके पीएचडी डिपार्टमेंट के लोगों का। लोग यहां पानी से त्राहिमाम किए हुए हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। एक चापाकल पर 50-100 महिलाएं बच्चे घड़े लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी, कब उनको पानी मिलेगा। वैसी स्थिति में भी ये संवेदनशीलता यदि नहीं दिखाएंगे पदाधिकारी तो निश्चित रूप से वो जनता के हितों की रक्षा करने के लिए नहीं आए हैं। जन प्रतिनिधि समस्या का जुबानी हल निकाल रहे हैं, जबकि जरूरत है कि सरकार हर किसी को पानी मुहैया कराने के अपने वायदे पूरा करे। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। खबर की खबर है जहां पर रांची की खबर है, झारखंड में जिन कोल ब्लॉक्स को एनओसी फॉरेस्ट और एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल पाया है उसको पूरा करने के लिए अब मैराथन बैठक की गई है। इसमें केंद्रीय कोयला सचिव अनिल स्वरूप, झारखंड के मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, झारखंड के खान निदेशक एसपी नेगी और कई दूसरे विभागों के प्रधान सचिव भी मौजूद रहे। सीसीएल, ईसीएल, हिंडालको, उषा मार्टिन सहित कई दूसरी कंपनियों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शिरकत कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कोयला सचिव ने कोल ब्लॉक्स को लेकर आ रही अड़चनों को जल्द से जल्द दूर करने की बात कही है, साथ ही समस्याओं का निपटारा कैसे किया जाए इस पर भी चर्चा हुई है। सीसीएल और सीएमपीडीआई को एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि जहां कोयला है और जहां पर नहीं है, या कहे कि जहां से निकल नहीं सकता है वहां की पूरी जमीन सरकार को वापस किया जा सके, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जानी है। झारखंड में शेड्यूल 2 के कोल ब्लॉक्स को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के अफसरों की चिंता जाहिर की गई है। कोल ब्लॉक्स दो किस्म के हैं, एक शेड्यूल 2 कोल ब्लॉक्स हैं जो पहले ऑलरेडी जो चालू थे, और एक शेड्यूल 3 माइंस हैं जो चालू नहीं थे। तो शेड्यूल 3 माइंस के लिए ऑलरेडी समय टाइमलाइन है उसके लिए, बट शेड्यूल 2 माइंस के लिए जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार चिंतित हैं। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन बावजूद इसके शराब पीने के जो शौकीन हैं वो मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। खबर किशनगंज की है, जहां पर नशे में धुत एक सरकारी कर्मचारी को डीएम ने बर्खास्त कर दिया है। बिहार में शराबबंदी के बाद सरकारी कर्मियों के शराब सेवन पर पूर्ण पाबंदी है, लेकिन हेमंत नाम का ये कर्मचारी शराब के नशे में कैमरे में कैद हो गया। इसकी शिकायत डीएम से की गई और इस खबर का असर हुआ। डीएम ने शराबी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जी मीडिया के द्वारा जैसे ही हमें पता चला है, कर्मचारी को बर्खास्त करवाया है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय था हमारे यहाँ पे, और दूसरे उनको जेल भेजने का भी आदेश दे दिया गया है, और इसका सोसाइटी में भी इम्पैक्ट जाएगा। हमारे जो इस तरह के दुविधा की स्थिति वाले कर्मचारी या पब्लिक है उनको भी ये मैसेज आएगा कि वो किसी प्रकार के इस तरह की अब गलती करने का उनको कोई क्षमा का रास्ता नहीं होगा, कोई स्कोप नहीं होगा कि वो बच सके, उनके खिलाफ कार्रवाई इमीडिएट होगी।
आगे बढ़ते हैं। बिहार में बंद पड़े नलकूपों के मसले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस बार भी हाईकोर्ट ने काफी तल्ख लहजे में पूछा कि आखिर नलकूप कब तक बंद पड़े रहेंगे और बाकी नलकूप कब चालू होंगे। एक तरफ तो किसान सूखे की भयंकर समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में 6,636 नलकूप बंद पड़े हैं। इसी मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कि लघु सिंचाई विभाग ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा कि 6,636 नलकूपों में से 136 नलकूप को चालू किया गया है। कोर्ट ने इस हलफनामे को देखने के बाद वर्तमान स्थिति पर अपनी चिंता जताते हुए संबंधित विभाग से सवाल किए कि बाकी के नलकूप कब शुरू होंगे। वहीं याचिकाकर्ता गुड्डू बाबा के मुताबिक बिहार के किसान का दुर्भाग्य ही है कि यहां योजनाएं तो बनती हैं लेकिन उसका फायदा उन्हें नहीं मिलता। इसमें 3604 नलकूप जिस समय PIL फाइल हुआ था 2015 में, उस समय चालू स्थिति में थे, और आज जो एफिडेविट फाइल हुई है उसमें सिर्फ 136 ट्यूबवेल्स की चालू होने की स्थिति, मतलब संख्या बढ़ी है। कोर्ट ने इस पर काफ़ी गंभीरता से इसको लिया है और सरकार से कहा है कि आपका रफ्तार काफ़ी धीमा है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि रोड मैप सरकार ने बनाया। मैं तो सरकार का काम कर रहा हूँ, पब्लिक का तो कह रहा हूँ, सरकार का काम कर रहा हूँ। सरकार के उच्च अधिकारियों और सरकारी महकमे के राजनेताओं की ओर ध्यान दिला रहा हूँ कि आपके राज्य में नलकूपों की स्थिति क्या है। नलकूप यदि नहीं चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर किसानों को जो जल की सुविधा मिलनी चाहिए सिंचाई के लिए, वो नहीं मिल पा रही है, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर राज्य हित में नलकूप सब चालू कराए जाए। इसे सरकारी उदासीनता नहीं तो और क्या कहेंगे, क्योंकि पिछले एक साल की सुनवाई और कोर्ट के लगातार फटकार के बाद भी बिहार में बंद पड़े 6,636 नलकूपों में से महज 136 नलकूप ही अब तक शुरू हो पाई है, वो भी 102 करोड़ राशि खर्च किए जाने के बाद। खैर, अब यह देखना होगा कि लघु सिंचाई विभाग कब तक इस मसले को लेकर के संजीदा होती है और बाकी के बंद पड़े नलकूप को शुरू करते हुए किसानों के खेतों तक पानी पहुँचा पाती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। और अब बात करते हैं गर्मी की, तो गर्मी को देखते हुए पटना के स्कूलों के लिए जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया है। खासकर जूनियर सेक्शन के बच्चों के लिए यह निर्देश अहम है। निर्देश के अनुसार 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए दोपहर 12 बजे तक की पढ़ाई होगी, यानी दोपहर 12 बजे के बाद किसी भी तरह का एकेडमिक एक्टिविटी स्कूल में नहीं होगा। DM के निर्देश प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों के लिए है। DEO और SDO को नियम लागू कराने का आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें कि पटना में अभी ही तापमान 42 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग ने तापमान और बढ़ने की आशंका जाहिर की है। हालात ये हो चुके हैं कि शाम को सूर्य के ढलने के बाद भी गर्म हवाओं से लोग परेशान रहते हैं, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी संजय अग्रवाल ने स्कूलों को नए निर्देश जारी किए हैं। राजधानी रांची और पूरे झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए कहा है कि हीट वेव की चेतावनी देते हुए कि लोगों को इसका सामना करना पड़ सकता है, जिसमें तापमान 4 से 5 डिग्री ज्यादा रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी भाग से आ रहे पछुआ हवा की वजह से हवा में नमी नहीं है, जिस वजह से लू चलने की संभावना बढ़ गई है। झारखंड के पश्चिमी भाग पलामू और डाल्टेनगंज में तापमान अधिक रहेगा। झारखंड के कुछ भागों में, आइसोलेटेड प्लेसेस ऑफ झारखंड में हीटवेव कंडीशन बना हुआ है, जहां का तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर रहने की संभावना है, खासकर झारखंड। और अब बात करते हैं रामनवमी की, तो पटना में रामनवमी के मौके पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। इस दौरान पटना के हनुमान मंदिर पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं शोभा यात्राओं को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से निकालने को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। उधर रामनवमी को लेकर आयोजन समितियां भी पूरी तैयारी कर रही हैं। रामनवमी के दिन पटना के अलग अलग मंदिरों से शोभा यात्रा निकाली जाती है। पटना का डाक बंगला चौराहा रामनवमी के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, यहीं से सभी शोभा यात्राएं गुजरती हैं, हजारों भक्तों का जमावड़ा होता है। ऐसे में डाक बंगला चौराहा पर सुरक्षा को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है।
तो हम लोग का पहला सुझाव उनको था कि जो हमारा डाकबंगला टू स्टेशन का पॉइंट है उसको फ्री करें थोड़ा। दूसरा, मंच को हम लोग इस बार व्यवस्थित करने के लिए हम लोग पूरे प्रयास में हैं कि चिन्हित व्यक्तियों को उचित स्थान देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो भी हमारे अतिथि भी आए उनको भी देखने का मौका मिले और जो हमारे गेस्ट और हैं उनके बैठने के लिए अलग से इंतजाम हो। देखिए, रामनवमी पटना का बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं और इसके अलावा अन्य मंदिरों पर भी काफ़ी भीड़ रहती है। हम लोगों ने इसके लिए प्लानिंग कर ली है, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस और मजिस्ट्रेट का तैनाती की गई है।